What's up guys, my name is Abhay Sharma, you are watching Thinking Penguin और आज हम लोग mesh editing में जो बाकी जो tools बचे हुए हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो अभी तक हम लोगों ने यहाँ तक जो भी है tools यहाँ तक हम लोगों ने बात कर लिया था। अभी हम लोग यहाँ पे 3-4-5 tool बचा हुआ है, उसके बारे में हम लोग आज बात कर लेते हैं। यहाँ पे एक setting मैं use कर रहा हूँ जो मैं पहले नहीं कर रहा था। पहले टैब मेन्यू से मैं डायरेक्टली एडिट मोड में जाता था, लेकिन अभी मैंने उसको कन्वर्ट कर दिया पाई मेन्यू में। और अगर मैं कंट्रोल टैब दबाता हूँ तो सेम फंक्शनैलिटी काम करती है जब हम लोग टैब दबाते हैं। तो इसको अगर स्विच करना चाहते हैं आप तो आप प्रेफरेंसेस में जाइए, वहाँ पर जाने के बाद यहाँ की मैप के अंदर टैब फॉर पाई मेन्यू में चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पर मैं ऑल्सो एक चीज़ यूज़ कर रहा हूँ, जूम टू माउस पोजिशन। तो उससे क्या होता है कि मैं जहाँ पे भी व्यूपोर्ट में मेरा माउस कर्सर जहाँ पे होता है वहीं पे वो जूम करता है। तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है, अगर आप चाहें तो उसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग चलते हैं टूल्स में। तो यहाँ पे है स्मूथ और रैंडमाइज। तो हम लोग पहले रैंडमाइज़ की बात करते हैं। ठीक है, तो एक काम करता हूँ मैं यहाँ पर एक यूवी स्फीयर क्रिएट कर लेता हूँ। ठीक है, और इसको हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं। अभी अगर मान लीजिए इसके अंदर अगर मैं रैंडमाइज़ करूँ तो इसका जो भी फेसेस या एजेस है, जो भी इसका बेसिकली जो वर्टिसेस हैं उसको वो रैंडमली पोजीशन करना शुरू करेगा, और जो सरफेस है वो स्मूथ से वो इस तरह का रफ़ सरफेस आप बना सकते हैं। ठीक है, और अगर मान लीजिए इसको आप अगर कोई रफ़ सरफेस है उसको अगर स्मूथ करना है तो उसके लिए आप स्मूथ यूज़ कर सकते हैं। तो बस ड्रैग कीजिए और ये स्मूथ होता चला जाएगा। लेकिन एक चीज़ और आप नोटिस कर रहे होंगे कि जैसे जैसे मैं स्मूथ कर रहा हूँ उसका जो वॉल्यूम है वो श्रिंक हो रहा है। तो ये एक प्रॉब्लम होता है स्मूथ टूल के साथ। ठीक है, तो इसको मैं डिलीट करता हूँ। जैसे कि अगर मान लीजिए ये है, ये मैंने एक मॉडल किया और उसके बाद मुझे लगा कि नहीं थोड़ा सा स्मूथ करते हैं, अगर ज़्यादा स्मूथ कर दूंगा तो इसके जो फीचर्स है वो ख़त्म हो जाते हैं। जैसे अगर इसको मैं स्मूथ करता हूँ, देखिए स्मूथ हो रहा है लेकिन इसके जो फीचर्स है वो भी ख़त्म होते जा रहे हैं। तो इसको शेड स्मूथ कर, देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका जो माउथ है ये सब चीज़ें जो है वो अजीब सा वो ये हो गया। ठीक है, तो इसके बाद क्या है, मंकी ग्रिड नहीं चाहिए भाई, मंकी टैब में जाएंगे हम लोग एडिट में। उसके बाद है एज स्लाइड और वर्टेक्स स्लाइड। तो ये बहुत यूज़ करता हूँ मैं। तो एज स्लाइड वर्टेक्स स्लाइड की अगर मान लीजिए मैंने एज और वर्टेक्स को ऑन कर दिया तो आप अगर आपका सेलेक्ट है वर्टेक्स स्लाइड तो देखिए जनरली क्या होता है कि जब आप काम कर रहे होते हैं तो आप वर्टेक्स मूव करते हैं, कभी कभी आपको चाहिए होता है कि नहीं जो मैं मूव कर रहा हूँ वो इसी एज के अलोंग हो, तो आप वहाँ पे ये वर्टेक्स स्लाइड यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो आप किसी भी एज पे उसको स्लाइड कर सकते हैं। ठीक है, इसका जो शॉर्टकट है वो मैं बताता हूँ। मान लीजिए आप एडिट कर रहे हैं, ठीक है, और आपको मूव करना है, आप जी से मूव कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपको अगर स्लाइड करना है एज पे तो दोबारा आप जी दबाएंगे तो स्लाइड होने लगेगा। ठीक है, ये है स्लाइड। वैसे ही यहाँ पे आपका एज स्लाइड है, तो यहाँ पे आप अगर मान लीजिए एज सेलेक्ट करते हैं और अगर जी दबाएंगे और दोबारा जी दबाएंगे तो आप उसको ऐसे स्लाइड कर पाएंगे। ठीक है, इसके बाद क्या है, श्रिंक फैटन में क्या है, जैसे कि अगर मान लीजिए मैंने ये सेलेक्ट कर लिया, ये पार्ट मैंने सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, एक मिनट, ठीक है, ये सेलेक्ट कर लिया मैंने। तो अभी अगर इसको मैं अगर करूं श्रिंक फैटन तो क्या कर सकते हैं आप, इसको जो इसका नॉर्मल का जो डायरेक्शन होता है उस डायरेक्शन में इसको आप ये कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली क्या है कि अब नॉर्मल अगर आपको देखना है तो आप जा सकते हैं ओवरले में और यहाँ पे आपको मिलेगा
ये देखिए फेस नॉर्मल्स, तो ये जो इसका जो डायरेक्शन है इसी डायरेक्शन में ये मूव होता है, ठीक है। तो ये इसको जैसे कि कभी कभी क्या होता है, अगर मान लीजिए किसी पार्ट को थोड़ा ये करना होता है, बड़ा करना होता है, तो मैं जनरली स्कल्प में जाके इन्फ्लेक्ट ब्रश यूज़ कर लेता हूँ। वैसे आप चाहें तो इस टूल को भी आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे इसके बाद है पुश पुल। तो पुश पुल जो है वो बेसिकली ये जो आपका फेस है उसके पैरेलल में होता है, लेटरल बोलते हैं शायद, आई गेस। तो वो इस टाइप से वो छोटा बड़ा होगा, पिंच की तरफ ये है, लेकिन ये एक्चुअली बाहर की तरफ नॉर्मल डायरेक्शन में ये उतना नहीं आएगा, ठीक है। तो अगर आपको इस टाइप का करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं, आप स्केल भी कर सकते हैं। स्केल में देखिए कि थोड़ा सा डिफरेंट होता है, ठीक है, जबकि यहाँ पे जो डिस्टेंस है बिटवीन एजेस एंड वर्टिसेस वो भी चेंज हो रहा है, ठीक है। और अगर आप नेगेटिव में जाएंगे तो कुछ अजीब सा फेस भी क्रिएट कर रहा है। तो डिपेंड करता है आप क्या यूज़ करना चाहते हैं, मैं जनरली इसका यूज़ नहीं करता हूँ, ठीक है। उसके बाद है शेयर। शेयर एक तरह का ट्रांसफॉर्मेशन है, जैसे कि ट्रांसलेशन रोटेशन स्केलिंग है, वैसे ही एक शेयर भी एक तरह का ट्रांसलेशन है, जहाँ पे आप ऑब्जेक्ट को डिफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैं ऐसे डिफॉर्म करना चाहता हूँ तो कर सकता हूँ। ये अगर मान लीजिए आपके पास एक प्लेन है, मैं ये हाइड कर देता हूँ नॉर्मल्स, और मान लीजिए एक प्लेन लिया और इसको हम लोग मूव कर लेते हैं इधर एक्स पे, ठीक है, इसको सब डिवाइड कर देते हैं। तो अगर मैं इसको चाहूँ तो इस टाइप से जो शेयरिंग का जो इफ़ेक्ट जनरली हम लोग, अगर आपने कभी किसी और एप्लीकेशन में काम किया, फोटोशॉप या फिर आफ्टर इफेक्ट, तो आपको ये चीज़ मालूम होगा, ये एक तरह का बेसिकली ट्रांसफॉर्मेशन है और कुछ नहीं, ओके। तो इसके बाद क्या है, इसके बाद है टू स्फीयर। टू स्फीयर के लिए जैसे ये टू स्फीयर बहुत ही मज़ेदार चीज़ है। तो हम लोग जाते हैं ऑब्जेक्ट मोड में और मान लीजिए कि मैंने एक यहाँ पे क्यूब क्रिएट किया और मुझे इस क्यूब में क्या करना है कि होल्स क्रिएट करना है, लेकिन राउंड होल क्रिएट करना है। तो अगर आप ऐसा करना चाहेंगे तो आपको बहुत टाइम लगेगा। तो इसका एक इजी तरीका क्या है कि इसको मान लीजिए मैंने सब डिवाइड कर दिया। अब मुझे मान लीजिए कि ये वाला जो एरिया है इसको हटा दो, ये एक एक करके कर सकते हैं आप चाहे तो, ठीक है। पहले मान लीजिए चारों को सेलेक्ट किया मैंने, और अगर ये अभी देखिए ये रेक्टेंगुलर है, वैसे अगर आप चाहें तो पूरे को भी कर सकते हैं। जैसे ये मान लीजिए कि ये क्यूब है, इस क्यूब को अगर मैं टू स्फीयर करूँ तो उसको मैं एक्चुअली एक स्फीयर में कन्वर्ट कर सकता हूँ, तो मेरा एक क्वाड स्फीयर बन गया। तो ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं आप, लेकिन मान लीजिए मुझे यहाँ बीच में एक होल चाहिए लेकिन स्फेरिकल, तो ऐसा कर सकता हूँ मैं, ठीक है, और इसको डिलीट कर सकता हूँ। देखिए यहाँ पे एक स्फेरिकल है, हालांकि ये उतना आपको मालूम कब चलेगा, जब आप इसमें और भी से सेगमेंट्स डालेंगे। कंट्रोल आर और मान लीजिए कि मैं काम क्यों नहीं कर रहा, व्हाटएवर। तो इसमें अगर मान लो कि मैं अगर सॉरी स्मूथ डाल देता हूँ, किधर गया, सब डिवीजन सरफेस, तो देखिए ये इस टाइप का इफेक्ट आ जाएगा आपका, ठीक है। देखिए पूरा राउंड हो गया अभी। जैसे मान लीजिए मैंने सॉलिडिफाई डाल दिया, बिफोर थिकनेस बढ़ा दिया मैंने, तो इस टाइप से आप एक होल क्रिएट कर सकते हैं विथ दिस टूल, बहुत ईजीली आप क्रिएट कर सकते हैं। इसके बाद क्या है, रिप है। रिप क्या है, रिप कभी कभी आपको क्या होता है कि लगता है कि नहीं ये ठीक नहीं है, मुझे यहाँ से थोड़ा उसको हटा देना है, मतलब उसको क्या बोलते हैं उसको रिप करना है बेसिकली। तो मैं आपको करके ही दिखा देता हूँ। तो मान लीजिए अगर मैं वर्टेक्स में जाता हूँ तो यहाँ पे आपको चूज़ करना है, तो यहाँ पे आपका रिप रीजन है और रिप एज है। तो बेसिकली अगर मैं जाता हूँ और मुझे अगर इस वर्टेक्स को रिप करना है तो इसको सेलेक्ट करूँगा और मैं ऐसे रिप कर सकता हूँ, ठीक है। अगर मान लीजिए मुझे यहाँ से करना है तो इसको
को सेलेक्ट किया और इसको ऐसे रिप कर दिया। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, या आप शॉर्टकट यूज़ करना चाहें तो शॉर्टकट यूज़ कर सकते हैं। शॉर्टकट क्या है इसका? इसका शॉर्टकट है वी, ठीक है। तो अगर मान लीजिए मुझे ये हटाना है तो मैं वी दबाऊंगा, सॉरी वी, और ये अलग हो जाएगा, ठीक है। वी, सॉरी वी, देखिए तो ये अलग होता जा रहा है। आपको मान लीजिए यहाँ पे और ज्योमेट्री क्रिएट करना, क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। वैसे ही एज है, ठीक है। अगर मान लीजिए एज सेलेक्ट है तो मैं उसको इससे अलग कर सकता हूँ ऐसे। तो ये रिप करने के लिए होता है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे भी वही चीज़ है, आपका एक रिप रीजन है और रिप एज है, ठीक है। तो ये आपके जो है ये बेसिक टूल्स हैं जो आपको मैश एडिटिंग में मिलते हैं। इसके अलावा भी आपको टूल्स मिलेंगे, जैसे कि मान लीजिए एज है, ये मुझे रोटेट करना है, तो अगर आप राइट क्लिक करेंगे या आप इस ये सब जो मेन्यूज़ है उसके अंदर भी जाके आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए मुझे ये इसको रोटेट करना है, तो यहाँ पे देखिए रोटेट एज क्लॉकवाइज है और ये एज जो है वो रोटेट हो गया। इसके अलावा जैसे स्प्लिट है, ठीक है, एज स्प्लिट है, एज स्लाइड है तो हो गया। तो इसमें स्प्लिट करने के लिए ये देखिए स्प्लिट है, सेपरेट है, सेपरेट मैंने शायद आपको कुछ, मान लीजिए कि मुझे कोई पार्ट अगर यहाँ से निकालना है तो मैं उसको सेपरेट कर सकता हूँ, ठीक है। सी, ठीक है, ये हिस्सा मुझे निकाल लेना है तो उसके लिए आप इसको सेपरेट कर सकते हैं। सेपरेट करने के लिए आपको पी दबाना है या राइट क्लिक में जाएंगे, यहाँ पे देखिए आपका होगा सेपरेट सेलेक्शन बाय मटेरियल बाय लूज पार्ट्स भी कर सकते हैं, ये बाद में देखेंगे हम लोग। सेलेक्शन करेंगे तो ये जो हिस्सा है ये बेसिकली अलग हो जाएगा। अभी अगर मैं ऑब्जेक्ट मोड में जाऊँ तो यहाँ पे देखिए ये अलग है। तो आपको इस टाइप की चीज़ें मिलेंगी, ठीक है। लेकिन जो बेसिक जो टूल्स है वो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो इसको आप लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, और बगल में जो बेल आइकन उसको भी आप दबा दीजिए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।